अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती हैं तो तीसरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आसान है। अब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है हमने करनी है कॉपर की। किसकी? कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, एनोड किस चीज़ का होगा, कैथोड किस चीज़ का, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। एनोड हमेशा आप जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, जिस मेटल की, मतलब कॉपर की, टिन की, किसी भी, यानी वो मेटल जिसके ऊपर जंग ना लगता हो वो बनेगा एनोड। यहाँ पर हम कॉपर को बनाएंगे एनोड। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इसमें एनोड हमने बना लिया कॉपर का, पर कैथोड हमेशा आयरन का होगा या स्टील का भी हो सकता है, जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोलाइटिंग करना चाहते हो। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होगा। देखो, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिंग की है तो हमने कॉपर का साल्ट लेके उसको पानी में हल करके यहाँ पर डालना है। कॉपर सल्फेट को आम जुबान में नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा। और ये अमूमन ये जिम्मेदार लोग इस्तेमाल करते हैं, जहर होता है, फसलों में डालते हैं। अब इन द इलेक्ट्रोब्लेटिंग ऑफ टिन की इलेक्ट्रोब्लेटिंग में क्या होगा? टिन की जब आ जाएगी कॉपर, द एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड कॉपर का बना होगा, कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चेंजिंग आई है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देन कॉपर मेटल, जो कॉपर होगी वो यहाँ से एनोड से उतरेगी और कॉपर मेटल जाके कैथोड की सरफेस के ऊपर चिमट जाएगी। कॉपर मेटल डिजॉल्व इन सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयन्स एंड डेपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कैथोड आयरन मेटल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। तो ये सही हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।